वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज का वीडियो हमारा है क्लच पैडल नॉइस के ऊपर। दोस्तों देखिए इस गाड़ी का क्लच पैडल कितना आवाज़ कर रहा है, इस नॉइस को किस तरह से हम दूर करेंगे। इस तरह से आवाज़ दोस्तों आती है क्लच पैडल धीरे धीरे छोड़ने पर, तो आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं आज की वीडियो हम यही बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों फिर से आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये हमारी होंडा इमेज है। करना क्या है, कोई भी लुब्रिकेटिंग स्प्रे आपको मार देना है या फिर उस पर ऑयल अगर दो तीन बूंद डाल सकें तो डाल दीजिए। डालना क्लच पैडल जो पुश रॉड होती है दोस्तों उस पर आपको डालना है। पुश रॉड है, इस पुश रॉड पर आपको डालना है दोस्तों। इसको स्प्रे करने वाले हैं लुब्रिकेटिंग स्प्रे। दोस्तों ये होंडा में दो प्रकार की पुश रॉड हैं दोस्तों, एक आसानी से दिखाई देती है और एक आसानी से दिखाई नहीं देती दोस्तों, ऊपर रहती है। इसको हमें यहाँ पर मारना है। देखिए दोस्तों अब आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आपके पास स्प्रे उपलब्ध नहीं है तो इंजन ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दो तीन बूंद वहाँ पर इंजन ऑयल कीप के द्वारा टपका सकते हैं दोस्तों। आपको लुब्रिकेटिंग स्प्रे मारना है, ये स्प्रे वर्थ कंपनी का आप खरीद सकते हैं मार्केट से। अगर ये नहीं मिले तो कोई भी लुब्रिकेटिंग स्प्रे आपको इस पुश रॉड पर मारना है और आवाज़ चली जाएगी। पुश रॉड दबा करके पैडल हल्का सा दबा करके दोस्तों इसको रॉड पर मारना है। देखिए दोस्तों अब आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रही है, पैडल हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं दबा करके। देखिए दोस्तों आवाज़ चली गई है। जब कभी आवाज़ आने लगे तो इस तरह से आपको मारना है और आवाज़ चली जाएगी। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, पैडल को हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और दबा रहे हैं दोस्तों। स्प्रे मारने के बाद आवाज़ बिल्कुल ही चली गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। पैडल हम दबा रहे हैं, बार बार प्रेस कर रहे हैं, आवाज़ अब बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऑल बेल आइकन दबा लें जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप सबसे जल्द देख सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।